कबीर नगर पुलिस थाना अंतर्गत चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को निष्पन्न किया, वही उनमें से एक को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई तो 2 आरोपी भागने में सफल रहे। पुलिस ने आरोपी से 40,000 कैश सहित कुल 5,00,000 का मुद्देमाल भी जब्त किया है। कामठी रोड पे नाका नंबर 2 के पास सी वाइन शॉप नाम का शॉप है वाइन का, वहाँ पे एक पिकअप गाड़ी बोलेरो वहाँ आके खड़ी हुई। उनमें से 3 लोग उतरे थे और कबर उन्होंने एक लोहे के रॉड से दुकान का शटर तोड़ा और अंदर प्रवेश करके उन्होंने अंदर की कैश दी 80,000 के रुपये की और कुछ सामान था जैसे सीसीटीवी का DVR सेटअप बॉक्स वगैरह और कुछ चिल्लर रकम उन्होंने वहाँ से चोरी किया था। जैसे चोरी करके वापस जा रहे थे आजू बाजू के लोगों ने उन्होंने देखा तो यादव करके एक पुलिस मित्र है, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। तुरंत पुलिस वहाँ पे पहुँची गश्ते पर और उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा है। पकड़ते वक्त 2 जो चोर थे वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए और उनमें से एक जो था ओम प्रकाश उसने वो पकड़ में आ गए। तो जो जिसको हमने पकड़ा है उससे हमने 40,000 रुपये कैश बरामद किया है और जो DVR और सेटअप बॉक्स है वो भी हमने उनसे जब्त किया है और उनकी पास जो इस्तेमाल की गई बोलेरो पिकअप उसको भी हमने जब्त किया है। ऐसा टोटल हमने 5,00,000 का माल उनसे जब्त किया है। जो 2 लोग भागने में कामयाब हो गए उनके नाम का हमें पता चल गया है। उनका नाम है, एक का नाम है दिनेश विष्णु और दूसरे का नाम है सुरेश विष्णु, दोनों राजस्थान के रहने वाले। उनकी तलाश जारी है, उनके ऊपर क्या क्या इन्होंने पहले गुने किए इसके बारे में हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो भी हमें सामने है उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।